आगे को दोपहर बाद समाप्त हो जाएगी। विधायक दल की बैठक होनी है, प्रवेश राजा सिंह जी कुछ देर में पहुंचने वाले, सीएम पेज पर फैसला होगा। बिल्कुल, आज जब 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो डिक्लेयर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी स्वच्छ परंपरा है, और जो हमारा केंद्रीय बोर्ड तय करके नाम देगा उसका यहाँ डिक्लेरेशन हो जाएगा। आयास वगैरह नहीं होते बीजेपी के अंदर, तो डिक्लेयर होता तब मालूम पड़ेगा। आएगा राजस्थान की समृद्धि के लिए, विकास के लिए सब सर्वमान्य होगा। वो सारा कुछ जो भी राय शुमारी करनी थी वो हो गई होगी और हो जाएगी, इसने कोई दो राय नहीं। नहीं नहीं, हम कहेंगे जो भी आएगा वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। नहीं नहीं, मेरी ऐसे खेमेबंदी की खबरें आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता नहीं। महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, ये भी मुझे पता नहीं है। जो भी बनेंगे तो जो भी वहाँ पार्टी से 115 में से भेजेंगे, जो भी हाई कमान तय करके भेजेगा वो हमारा। पसंद क्या है तो बता दीजिए। हमारी पसंद पार्टी है ना, पार्टी का जो भी सिंबल होगा वो संसदीय बोर्ड तय करेगा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा जी तय करेंगे, वो हमारे को पसंद है। सर, विधायक दल की आज बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो भारत के लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। यहाँ लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है कि हम अपना नेता चुनेंगे, और उस लोकतंत्र की अगर खूबसूरती कहीं देखने को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलती है कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी एक सूबे का मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी तरीके की आपने कल मध्य प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, तो ये निश्चित रूप से यहाँ भी किसी जनसेवक को बिठाएंगे जो राजस्थान की जनता और राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में विकास के अंदर ले जाके खड़ा कर सके। सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो उसी तर्ज पर कोई चौंकाने वाला नाम देखा जा सकता है? देखिए, ये सब संसदीय बोर्ड का तय करेंगे, परिवेशक आ रहे हैं, कुछ समय इंतजार कीजिए। राजस्थान को एक न्यायती, एक कितना अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा जो विकास की अग्रिम पंक्ति में लेके जाएगा, जो किसानों के भले की बात करेगा, जो युवाओं के विकास की बात करेगा, और जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को राजस्थान के विकास का फायदा मिलेगा। सोशल इंजीनियरिंग में बेस्ट मानी जाती है बीजेपी, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधा गया है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग को साधा गया है, कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग को या फिर एक साधारण समुदाय से जो जनरल कैटेगरी से जो आएगा उसे साधा जाएगा। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी भागीदारी, तो निश्चित रूप से उसका नमूना हर जगह देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान में भी मिलेगा आपको। बढ़िया, बिल्कुल राजस्थान विकास के पथ पर जाएगा। सीएम की रेस में आपका भी नाम है। मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व बैठ के बात आगे वाले समय में ही बताएं कि मीटिंग है ना, मीटिंग में बैठ के बात। आपका नाम क्या है? मीटिंग में चर्चाओं में है सीएम? मेरा नाम नहीं होगा गेट पे, मैं मीटिंग में आ जा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल गलत, 100% गलत है। चुनौतियाँ भी क्या आला कमान के समक्ष राज्य की तरफ से चुनौती आ सकती है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। इतना समय लगा है, आपको लगता है कि कुछ चुनौती थी आला कमान के लिए भी तय करना नाम? भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय पार्टी का चुनाव क्या लग रहा है? कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन होगा मुख्यमंत्री? अभी विधायक दल तय करेगा। आपका नाम भी चल रहा है, नहीं गलत, ये गलत बात है। नहीं, कहा जा रहा है अनुभवी है और संघ से आपकी बहुत निकटता है इन तमाम बातों को देखकर। नहीं, निकटता नहीं है, मैं तो संघ का संसद हूँ। तो आपको लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम हो? मेरे जानकारी में कोंकण का मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन करना। नहीं, आपसे कोई नाम पूछा जाए अगर तो आपके मन में, ये आपको नहीं बताएंगे। खुद का आकलन, खुद का नहीं होगा।